हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मालूम है कि इस समय यह आपका जो टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का चैप्टर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे हम डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आज हम यहाँ पे रेडियन में दे रखा है और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री पे कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये सारे आपके वैल्यू जो है आपने किसमें देखे, रेडियन में देखा है। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, मतलब ये आपका यहाँ पे सभी रेडियन में दे रखे हैं, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे क्या रहता है, देखिए ब्रैकेट है, यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पे इस वैल्यू पर दिया है यूज करना, अगर नहीं दिया तो आप यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि पाई वैल्यू आपको 22/7 का यूज करना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो बताया था कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। जब हम डिग्री को रेडियन में करते थे तो पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करते थे। अब यहाँ पे उसी को उल्टा हो जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे 180 अपॉन पाई का मल्टीपल कर देंगे। वहां पे क्या था, पाई अपॉन 180 करते थे, और यहाँ पे जब रेडियन से हम डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई का मल्टीपल करेंगे, जस्ट उसको उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 11/16 रेडियन। पहला क्वेश्चन में आपका 11/16 रेडियन दे रखा है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप तुरंत लिखेंगे ये आपका 11/16 है, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। वहां पे 180 इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देखिए हमने आपको बताया था ना कि अगर रेडियन कन्वर्ट करने में 180 अपॉन पाई का मल्टीपल करते हैं। तो आप क्वेश्चन रखा है 11/16 रेडियन, तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक, तो आपको यहाँ पे देखा है यूज करना पाई की वैल्यू कितनी यूज करना, 22/7 करना है। तो जाएगा 11/16 इंटू 180 और पाई हो जाएगा 22/7, से अपॉन सेवन का जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 2 जा 22, ये कट हो जाएगा 90 टाइम जाएगा, इधर कट होगा 8 टाइम जाएगा 45। तो 45/7 जो जाएगा 315 अपॉन 8 डिग्री। ठीक, ये आपको हो गया डिग्री में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अपॉन में रखा है, इसको प्रॉपर इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 आएगा 7, 5 आएगा 8 9 जा 72 3, यानी 39 डिग्री हो गया। क्या हो गया आपका, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो इसको चेंज कर दिए तो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/8, क्योंकि आपको मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका, 60 मिनट। ये आपका हो गया मिनट में। ठीक, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो यह जाएगा आपका 39 प्लस ये कितना होगा, 3 6 जा 18 अपॉन 8 0/8 मिनट हो गया। अब इसको फिर डिवाइड करिए, अब कितना आपका 180 हो गया, और 8 0 8 2 जा 16, 2 आया 0 आया, 8 2 जा 16, तो 4 आया। तो ये हो गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट प्लस, अब आपका आया 4/8 मिनट। ठीक है, 4/8, तो 1 मिनट में क्या होता है आपका, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसमें 16 मल्टीपल हो जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट प्लस ये हो जाएगा आपका 60 होता है, 6 4 24 2 4 0/8, ये आपका हो गया सेकंड। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 39 डिग्री 22
इसको डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम जाएगा 30 सेकेंड। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्री में। 11/16 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 39 degrees 22 minutes and 30 seconds आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है -4 radians, यहाँ निगेटिव तो निगेटिव आप ले रहेंगे, यानी कि -4 × क्या होगा 180/π, ये आपको क्या डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू को यूज करना आपका -4 × 180, ये अगर 22 और 7 का था ऊपर चला जाएगा 2 × 4 = 11। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 180 माइनस का इंटू 14/11। तो 14 का 180 मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 14 × 0 = 0 और 14 × 8 = कितना होता है 112, कितना होता है 112 का 2 कह रहे हैं 11, 14 × 14 = 11 = 520/11। या किसमें है, डिग्री में, ये किसमें आपका, तो फिर डिवाइड करेंगे 2520 का हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 2 = 22, यहाँ 3 2, 11 × 2 = 22, यहाँ 10, तो ये आपका 0, 11 × 9 = 99, ये हो गया 1। तो ये चेंज हो गया आपका माइनस का 229/11 degrees। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो यह पूरा आपका डिग्री है, ये 1/11 degrees, तो 1 मिनट में आपका कितना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 229 degrees प्लस 1/11 है तो ये आपका डिग्री में है, तो 1 degree में कितना 60 मिनट हो जाएगा, तो 60/11 ये हो गया आपका मिनट में, 60/11 क्या हो गया आपका मिनट में हो गया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 229 degrees और इसका डिवाइड करेंगे 11/5 = 55 मिनट हो गया, 55 मिनट प्लस कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, तो 5/11 ये भी आपका अभी क्या बचा है, मिनट बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब 11 का आप डिवाइड करेंगे 60 में तो 11/5 = 55, रिमाइंडर कितना बचा आपका 5, 5/11 आपका मिनट में, तो इसको चेंज कर दिए तो इसमें सेकंड में, तो जाएगा माइनस का 229 degrees 5 minutes, तो प्लस 60 मल्टीपल 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 होते हैं, तो जाएगा 6/5 = 30/11, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया सेकंड में, किसमें कन्वर्ट हो गया सेकंड में, तो इसका डिवाइड करेंगे 5 मिनट, 5 मिनट और इसका डिवाइड करिए 300 में, 300 का 11 से डिवाइड करिए, 11 × 2 = 22 गया 80, 11 × 7 = 77, यह आएगा आपका लगभग कितना 3 आएगा, तो पॉइंट चला जाएगा। अब देखिए सेकंड बात कुछ नहीं होता तो इसको लिख देंगे 27 सेकंड, ये आपका आ गया माइनस 4 radians को आपने जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो आया माइनस का 229 degrees 5 minutes and 27 seconds, ये इसके आगे 3/11 बचेगा सेकंड का, तो उसको हम नहीं लेते। ठीक है, तो ऐसे आपका ये निकल आएगा। अब देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 5/3π radians, तो जाएगा 5/3π और रेडियन का कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 180π। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं जिसमें पाई पाई आ जाए और कट जाए। देखिए अब यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पाई से पाई कैंसिल और 3 से 180 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 6×5 = 30, 300 degrees, देखिए कितने सिंपल से हो गया। ये क्वेश्चन तो आ जाए तो सबके बल्ले बल्ले हो जाएंगे और वैसे क्वेश्चन आए तो बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है ना। देखिए 300 degrees आपका आ गया। फोर्थ क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, देखिए 7π/6 radians है, तो 7/6π और रेडियन क्या होगा 180/π,
ये आपका हो गया डिग्री में कन्वर्ट। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो 6 3 18 और 3 7 21 210 डिग्री हो गया। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आया तो भाई वाह, और पहले तो जैसे आ जाए तो उसमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको माइंड का, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आसान सभी होते हैं, हम अपने नियम से चलेंगे तो आसानी से हमसे सॉल्व होंगे। और इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।